हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो में हो सकता है कि कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आए, आज दीपावली है तो पूजा हो रहा है लाउड स्पीकर में, तो आवाज़ आ सकती है, तो आप लोग इसे थोड़ा मैनेज कर लेना। तो आज हम लोग देखेंगे डेली करेंट अफेयर सीरीज में 16 से 18 अक्टूबर 2023 के करेंट अफेयर। तो आते हैं पहले करेंट अफेयर पर। समाचारों में देखा गया MMDR अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खान एवं खनिज, माइंस एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी है जंगल और जंगल का जानवर, ऑप्शन सी है मशीनें और मशीनरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, खान एवं खनिज। समाचारों में देखा गया MMDR अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइंस एंड मिनरल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? खान एवं खनिज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। राज्यसभा ने हाल ही में पास किया है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये कौन से बिल में चेंज किया जा रहा है? तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में चेंज किया गया है। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो ये आपका एक्ट था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ये पहली बार अमेंड नहीं किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में हुआ था, 2015 में, 2015 के बाद हुआ था 2016 में, 16 के बाद हुआ था 2020 में, इसके बाद 2021 में हुआ था, और लेटेस्ट कब हुआ है? 2023 में। इसलिए आपका एक करेंट अफेयर में बना हुआ है, लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पास हो गया है, तो अभी क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इस एक्ट से 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिज हटा दिए गए, 6 मिनरल्स ओमिटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। अब आपको यहाँ क्या याद रखना है कि जो 6 मिनरल्स को ओमिट किया गया है, हटाया गया है, वो कौन से हैं? तो एक तो है आपका लिथियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है बेराइल, चौथा है आपका नियोबियम, पांचवा है टेंटलम, और छठा कौन सा है? जिरकोनियम। तो ये 6 मिनरल्स आपको याद रखने हैं। एक तो लिथियम है, टाइटेनियम है, बेराइल है, नियोबियम है, टेंटलम है, और जिरकोनियम है। तो ये 6 आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं, लेक लड़की योजना और नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना को हरी झंडी दे दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं, लेक लड़की योजना और नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना को हरी झंडी दे दी है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन नाविक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन बी, आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहां पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में पपुआ न्यूगिनी, फ्रांस के अलावा, और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ देश के 3 अलग अलग समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दे दी। तो फ्रांस के अलावा और कौन दो देश है? पपुआ न्यूगिनी है और त्रिनिदाद और टोबैगो है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पर डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो आप लोग इसे PDF में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसके द्वारा निर्मित एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर
लॉन्च किया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम एनजीओ, ऑप्शन बी ए केंद्रीय संचार ब्यूरो, ऑप्शन सी ए टी सीरीज, ऑप्शन डी ए इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। किसके द्वारा निर्मित एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जो ये सीरीज है ये आपका 52 एपिसोड में है और प्रत्येक एपिसोड कितने मिनट का है, 11 मिनट का है। जो आपका सीरीज है, सीरीज का नाम क्या है, KTB भारत है हम। और KTB का मतलब क्या हुआ, K फॉर क्रिस, T फॉर ट्रिस और क्या बोलते हैं, B फॉर बाल्टी बॉय। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, KTB। तो ये KTB का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इस सीरीज को बनाया किसने है, तो सीरीज को मुंजाल श्रॉफ और ग्राफिटी स्टूडियोज के तिलक राज सेठी ने बनाया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण और उनोडोई 2.0 पेश किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम ने। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण और उनोडोई 2.0 पेश किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैलिफोर्निया ने लापता अश्वेत युवाओं की तलाश को प्राथमिकता देने के लिए एक अभूतपूर्व कानून पेश किया है, उस कानून का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सोमी अलर्ट, ऑप्शन बी ए डिस्कवर अलर्ट, ऑप्शन सी ए लॉस अलर्ट, ऑप्शन डी ए एबोनी अलर्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इवोनी अलर्ट। कैलिफोर्निया ने लापता अश्वेत युवाओं की तलाश को प्राथमिकता देने के लिए एक अभूतपूर्व कानून पेश किया है, आपसे पूछ रहा है कि उस कानून का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इबोनी अलर्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 113, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 111, ऑप्शन डी है 101। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 111। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं, भारत का स्थान क्या है, 111, और भारत का स्कोर कितना है, 28.7। भारत का स्कोर कितना है, 28.7। इसके अलावा पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, 102वें नंबर पे, बांग्लादेश 81वें नंबर पे, नेपाल 69वें नंबर पे और श्रीलंका 60वें नंबर पे है। और 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने डिजिटल सेवा कर को संबोधित करने के लिए बहुपक्षीय संधि पेश की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है OECD, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OECD। किस संस्था ने डिजिटल सेवा कर को संबोधित करने के लिए मल्टीलेटरल ट्रीटी पेश किया है, बहुपक्षीय संधि? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OECD ने। और OECD का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OECD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, EIA द्वारा वैश्विक बिजली खपत किस वर्ष तक सालाना 85 से 134 टेरावाट आवर तक बढ़ सकती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2025 तक, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2037 तक, ऑप्शन डी है 2047 तक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, 2027 तक। EIA द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वैश्विक बिजली खपत किस वर्ष तक सालाना 85 से 134 टेरावाट आवर बढ़ सकती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2027 तक। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी का, दिस अमाउंट इज कंपेरेबल टू द एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ कंट्रीज सच एस नीदरलैंड, स्वीडन एंड अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
हाल ही में किस संगठन द्वारा शरणार्थियों और प्रवासियों का मानसिक स्वास्थ्य जोखिम और सुरक्षात्मक कारक और देखभाल तक पहुंच मेंटल हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड एसेस टू केयर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। आपके पास ऑप्शन है WEF के द्वारा, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है WHO। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO। हाल ही में किस संगठन द्वारा मेंटल हेल्थ ऑफ रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड एसेस टू केयर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, तो WHO के द्वारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, 10 अक्टूबर को, और 2023 की थीम क्या है, मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, 10 अक्टूबर को, और 2023 की इसकी थीम क्या है, मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, और थीम क्या है 2023 की, हेल्थ फॉर ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क CORS का शुभारंभ किया। आपसे पूछ रहा है CORS का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। CORS स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क CORS का शुभारंभ किया। CORS का मतलब क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, इसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। P2E यूनिसेफ की पहल है जो युवाओं को आवश्यक कौशल और प्रमाणन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। आपसे पूछ रहा है कि P2E का मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शन ए पॉवर्टी टू अर्निंग, ऑप्शन बी है पासपोर्ट टू अर्निंग, ऑप्शन सी है पासपोर्ट टू एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पासपोर्ट टू अर्निंग। P2E किसकी पहल है, यूनिसेफ की पहल है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, जो युवाओं को आवश्यक कौशल और प्रमाणन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, P2E स्टैंड्स फॉर, तो पासपोर्ट टू अर्निंग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली P2E क्या है, एक ग्लोबल लर्निंग टू अर्निंग इनिशिएटिव है, किसका, यूनिसेफ का। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है नहीं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लक्ष्य 2024 तक भारत में 14 से 29 आयु वर्ग के 5 मिलियन युवाओं को दीर्घकालिक टिकाऊ कौशल प्रदान करना है। तो की पॉइंट है यहाँ पे 2024, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लक्ष्य कब तक भारत में 14 से 29 आयु वर्ग के 5 मिलियन युवाओं को दीर्घकालिक टिकाऊ कौशल प्रदान करना है, तो 2024 तक। इसके अलावा दो पॉइंट और याद रखो आप, अगर आपसे पूछते कि G2G का मतलब क्या हुआ और B2B का मतलब क्या हुआ, तो G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। किस तमिल लेखिका को उनके संस्मरणों की पुस्तक सूर्या वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। आपके पास ऑप्शन है श्रमिक चौधरी, ऑप्शन बी है तेजा गणेश, ऑप्शन सी है शिव शंकरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिव शंकरी। किस तमिल लेखिका को उनके संस्मरणों की पुस्तक सूर्या वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2023-2022 प्रदान किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिव शंकरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश की संसद को
P20 प्रेसिडेंसी सो भी है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, क्रिकेट, T20, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस और स्क्वैश को आधिकारिक तौर पर लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स 2028 के लिए अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस आपको गेम का नाम याद रखना है, क्रिकेट T20 फॉर्मेट, बेसबॉल सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी गेम इंक्लूड हुए हैं लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए, तो सारे गेम का नाम आपको याद रखना है। पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी भारत। किस देश ने राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत ने। दिस प्रोग्राम इज ए फॉलो अप एक्शन ऑफ द लाइफ, और लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेनिंग। ठीक है, तो जो प्रोग्राम है आपका राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम, ये क्या है, दिस प्रोग्राम इज ए फॉलो अप एक्शन ऑफ द लाइफ कैंपेनिंग, और लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने वीडियो गेम दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड का 69 बिलियन USD का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किस कंपनी ने वीडियो गेम दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड का 69 बिलियन USD का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक उल्लेखनीय उपलब्धि में आईआईटी बॉम्बे और लॉरस लैब्स द्वारा समर्थित इम्यूनो एसीटी को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी कार टी सेल थेरेपी के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है, जिसे कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेक्स्टकार 19, ऑप्शन बी है मैक्सकार 19, ऑप्शन सी है टेक्सकार 19, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्टकार 19। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में IIT बॉम्बे और लॉरस लैब्स द्वारा समर्थित इम्यूनो एसीटी को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, शॉर्ट में से बोलते हैं CDSCO से मंजूरी मिल गई है, जिसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछ रहा है कि जो कार टी सेल थेरेपी है इसे क्या कहा जाता है, तो नेक्स्ट कार 19 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनो एसीटी क्या है, IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी है, क्या नाम है, इम्यूनो एसीटी नाम है। इसके अलावा जो लॉरस लैब्स है ये क्या है, ड्रग मेकर है, ड्रग बनाती है। CDSCO का फुल फॉर्म क्या हुआ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो की पॉइंट है, मेनली क्या होता है करंट अफेयर में की पॉइंट पे फोकस करना, जैसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो कार टी सेल थेरेपी है इसका नाम क्या है, नेक्स्टकार 19। दूसरा इम्यूनो एसीटी क्या है, तो IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो लॉरस लैब है ये क्या है, ड्रग मेकर है। और इसके अलावा CDSCO का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्टकार 19 को क्या कहते हैं, एसिटाइल कैप्टाजेन ऑटोल्यूसेल, एसिटाइल कैप्टाजेन ऑटोल्यूसेल, तो ये नाम भी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, लेकिन कुछ ज़्यादा डीप हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौशल और लचीलेपन स्किल एंड रेजिलियंस के उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारतीय सेना ने UK के वेल्स में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में कौन सा पदक जीता, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिल्वर मेडल रजत पदक, ऑप्शन बी है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा,
तो भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी ने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौशल और लचीलेपन के उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारतीय सेना ने यूके के वेल्स में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, 2023 में कहाँ हुआ, तो यूके के वेल्स में, और इंडियन आर्मी ने क्या जीता, कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आठवें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। आठवें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो CCI के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है आपको, ये जो कॉन्फ्रेंस था ये कौन से थीम पे बेस्ड था, न्यू इशू इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन परस्पेक्टिव एंड चैलेंजेज। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।